कोटड़ा क्षेत्र में इस चिड़िया की जा रही पूजा अर्चना व देवी स्वरूप मानकर साथ ही इसके पकड़कर छोड़कर देखा जा रहा वर्षफल। कोटड़ा क्षेत्र का जनजाति समाज इस डुस्की नाम की चिड़िया को पकड़कर पूजा आराधना के साथ ही वर्षफल भी जान रहा। कोटड़ा क्षेत्र में इस चिड़िया को पकड़कर छोड़ने पर यदि चिड़िया सूखे वृक्ष पर बैठती है तो मध्यम वर्ष माना जाता है, साथ ही पत्थर पर बैठती है तो सूखा व यदि खेत में हरे खेत पर बैठती है तो इस वर्ष अच्छा जाएगा, ऐसी मान्यता है। इनके साथ ही शादी ब्याह में भी इस पक्षी को सुकून के रूप में देखा जाता है। यदि यह सुकून अच्छा देती है तो ठीक, नहीं तो आगे का रास्ता काट देते हैं। शादी बंधन में भी किसी तरह की बाधा आती है इसको लेकर इसे जनजाति समाज देवी के स्वरूप में इसे मानता है। कोटड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से इस पक्षी को देवी का स्वरूप माना जाता है व इसे पकड़कर पूजा अर्चना के साथ ही जय घोष लगाते हुए इन्हें आराधना कर वापस छोड़ा जाता है। क्षेत्र में जगह जगह इसको पकड़कर की जा रही आराधना के बाद पुनः अपने क्षेत्र में इसे छोड़ दिया जाता है। Yeah.